हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। फोर एंड फाइव हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे। आज चलते हैं पहला क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में बच्चों कहता है, आपने जैसा देखा भाई, व्हाट द लास्ट नंबर 1 to 6 0 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वो लास्ट नंबर क्या है जिसको इसमें डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही कहने का। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 1 to 6 0 जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से भागा होगा 6 2 12 3 और 0, 2 से 3 1 और 5, 3 से भागा देंगे 1 0 5, 3 से भागा देंगे 35 12, 7 से 5 से पहले 5 छोटा है ना 7 12, और 7 से देंगे इसको स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन देखो 5 और 7 का स्क्वायर नहीं बनाते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट आंसर यही आंसर है, अगर 35 से आप डिवाइड करोगे तो कोशिश उसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ठीक है, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 4096? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए बहुत आसान, आप जानते हैं 2 2 अंक का पेयर करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 7 से नहीं करेंगे क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा, 6 से करेंगे 6 टाइम में 36 आएगा और इधर जोड़ देंगे 12, 4 आ गया कट गया ऊपर से 96। अगर हम 4 डालते हैं तो 4 4 का 16, 4 2 8 1 9 और 4 1 4 कट जाएगा 128। इसका आंसर कितना है, स्क्वायर रूट आएगा 64। नेक्स्ट बच्चों कहता है, देयर आर 2916 ट्री इन ए गार्डन, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, हाउ मेनी रो आर देयर। कहने का मतलब, एक गार्डन में 2916 ट्री है और उसको ऐसे लगाया गया है कि जितना पेड़ है एक लाइन में उतना ही रो है, तो बताओ कितना रो बनेगा। तो बहुत आसान है, इसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरह से जैसे मान लो अगर हमने ऐसे कर दिया 4, तो फिर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, सारा 4 बिल्कुल स्क्वायर बन गया। इसी तरह से ये 2916 है, तो ये रो बताना है कि कै गो है। ठीक है ना, अब इसको दीजिए 5 से हम करेंगे, 5 10 25, इधर 10 आ जाएगा कट गया 416। ठीक है, अब यहां 4 डालेंगे और करेंगे 4 4 का 16, 1 और 4 1 4, यानी इसका आंसर आ गया 54 रो होगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द लास्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहले हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये देखिए ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसका हम निकालेंगे रूट, 2 2 2, तो 3 से जाएगा 3 बार में, तो क्या आएगा, 33 का 9, ऊपर से आया 1 ऊपर से 2 0। अब 1 बार में जाएगा बच्चों, इधर 62 हो जाएगा, 61 रहेगा, 10 में से 1 गया 9, और इधर 3 आ गया ऊपर से आया 2 0। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में करके देखते हैं, 6 4 का 36, 6 2 12 1 13, 6 4 के 36 14 12 और 2 1 3 6। ठीक है, तो यहां 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, इधर आ गया 8 में से 6 गया, तो कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 264। यानी कि इसके आगे अब चलेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, राइट, क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट में ना करके इसमें 1 बढ़ा देंगे, यानी इसको कर देंगे 317। ठीक है, और 317 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रो आ रहा था पॉइंट में ना देखे उसमें राउंड फिगर में 1 बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, 7 7 49 4 7 4 11 1 81 22 1 3 3 से करेंगे 17 1 21 3 1 2 3 1 3 2 5 3 3 का 9 जोड़ेंगे 9 8 2 1 3 1 4 5 3 8 2 10 10, यानी कि आंसर आ गया 100489, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देंगे आप लोग, व्हाट लास्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 3050 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे छोटा अंक क्या घटाया जाए 3050 में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले रूट निकालेंगे, 5 से करेंगे 5 बार 25, 5 आ गया 0 आ गया। अब कितने बार में जाएगा बच्चों, फिर 5 से करते हैं, 5 25 2 2 का 2 5, 5 बार हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 25। अगर ये रिमाइंडर ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, यानी ये रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट आंसर 25। ओके, यानी कि 3050 में अगर 25 को घटा दे तो 3025 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए राइट आंसर 25। थैंक यू।